Pasti bice ya. Kama saha bia bia. Mutano mate e amayeka bukwa kutungutiko. ये कुत्ते पानी पियेंगे और ये यहाँ से भर के लेके जा रही हैं। अब इस पानी को ये लोग पियेंगे। तो भाई अभी इन्होंने पेट पूजा कर ली है, अब ये लोग आगे शिकार करने निकले हैं। क्या है यार ये देखो ना, बड़ा मुश्किल है यार यहाँ पे। अभी सबसे पहले इनका जो मेन टारगेट है वो यहाँ पे पानी ढूंढना है, तो अब ये लोग पानी ढूंढ रहे हैं पहले। तो पानी ढूंढेंगे और फिर उसके बाद में आगे शिकार करेंगे। भाई ये देखो यहाँ पे पानी मिला है, तो ये कुत्ते पानी पी रहे हैं। और आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे खड्डा खोद के यहाँ पानी निकालते हैं, और ये यहाँ पे अंदर जंगलों में रहते हैं, तो ये अपनी बकरियों को लेके ये देखो पानी भर के लेके जाएंगे यहाँ से। पता नहीं कितनी दूर जाएंगे, आई डोंट नो। बाकी ये देखो वहाँ पर हैं ये लोग, और वहाँ पे बैठे हैं ये लोग। या इट्स टोटली क्लीन वाटर। ये कुत्ते पानी पियेंगे और ये यहाँ से भर के लेके जा रही हैं। और ये देखो ऊपर जो है ना, आप लोगों को दिखाता हूँ ये लोग। तो ये लोग यहाँ से पानी बाल्टी लिए, जो यहाँ पे रहते हैं ना, इनसे बाल्टी लिए इन्होंने, तो अब यहाँ से पानी निकालेंगे ये लोग। भाई जो भी चीज़ दिखा रहा हूँ ये इनकी डेली लाइफ है, डेली दिनचर्या ऐसे ही है ये लोग। अब ये यहाँ पे कोई बकरियाँ चरा रहा है, तो उससे देखो ये भाई ने वो लिया है, बाल्टी ली है। तो अब ये देखो ये सामने इसमें से पानी निकाल के, ये देखो अब यहाँ पे। आप सोचो यार इस भरे पूरे जंगल के अंदर इनको पानी भी कैसे मिल जा रहा है। ये देखो ये लोग पानी ढूँढ रहे हैं अब यहाँ से क्लीन। ये देखो अब इस पानी को ये लोग पियेंगे। यू आर गोइंग टू ड्रिंक दिस। अब ये देखो ये पानी पी रहा है, पता नहीं इसमें कितना कीटाणु है, लेकिन ये लोग पानी पी रहे हैं। आई डोंट नो भाई लाइफ कैसे चल रही है इनकी, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। हम यहाँ पे अभी तक कम से कम 20 किलोमीटर चल लिए हैं, अभी तो वापस भी जाना है। 20 किलोमीटर चल के तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो जहाँ से इन्होंने खाना खाया था ना, वहाँ से अराउंड 3-4 किलोमीटर के आगे आए हैं। अब ये देखो ये पानी भर के लेके जा रहा है, और वहाँ पे इनको पानी पिएगा देगा, वो पानी पिएंगे। भाई यही कुछ है, इतना भरा एडवेंचर मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया। तो बस अब यहाँ पे ये लोग पानी पी के तो आगे शिकार करने जाएंगे, तो देखते हैं अब कहाँ निकलते हैं लोग। भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पर जो लेडी है ना ये, और ये छोटा सा बच्चा है, और जो इनका हस्बैंड है वो वहाँ कहीं छुपे हुए हैं उस जगह पर। तो यहाँ पे वेटिंग, ये वेट कर रही है बबून के आने का। एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि ये जो एरिया है ये आप देख रहे हो, ये एरिया ये बबून का लाइक मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे ये वेट कर रही है पिछली दो रात से, फ्रॉम लास्ट टू नाइट्स राइट, पिछली दो रात से यहाँ पे वेट कर रही है सिर्फ बबून के आने का। तो यहाँ पे ही सोती है और यहीं पे इनका गुजारा हो रहा है। अभी देख लो कितनी डिफिकल्ट लाइफ है, लाइक बबून के लिए यहाँ पे सिर्फ वेट कर रही है पिछली दो रात से। और यहाँ पे इसका छोटा सा बच्चा, अब देखो ना यार क्या लाइफ है। अभी छोटा सा बच्चा है, अब इसको लेके यहाँ पे है इसके हस्बैंड के साथ, और ये इनकी डेली लाइफ चल रही है। इट्स सो डिफिकल्ट लाइफ भाई, इतनी डिफिकल्ट लाइफ मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखी। कभी हम लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, इनको ये नहीं पता बिस्कुट क्या होता है, नमकीन क्या होती है, बट स्टिल ये आ थोड़ा सा बाइक है। वो बेटा आता है ना। व्हेन दे कैम टू द वॉटर पॉइंट लाइक हियर।
then it will be the best day for them. Yeah, exactly. That's the best day for them. Yeah, to take shower or they make a spot. Just a portrait from what? भाई देखो मैंने इसको दिया ना कितना कुछ हो गया पूरी आई थिंक पूरी लाइफ में इसने इस तरीके से कुछ पिया नहीं होगा लाइक फ्रूटी माजा वगैरह ये सब पूरे लाइफ जंगल में गुजारी है और वो बच्चा देखो यार कितना ज़्यादा खुश है यहाँ पे और ये लाइफ है इनकी अब इनको इन्होंने कभी नहीं देखी भाई बाहर की जिन दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये सब इनको पता नहीं है बस यहाँ इनकी लाइफ चल रही है यहाँ पे और अपना गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे भाई जो फैमिली वहाँ रह रही है ना अभी वो बच्चा और देखा था उसके पापा का मैं इनका घर बताता हूँ रात को कहाँ सोते हैं ये दिख रहा है ये देखो इसके अंदर ये लोग सोते हैं भाई इनका कोई प्रॉपर घर नहीं है ये लोग कहीं भी सो जाते हैं अभी देखो दिन में तो वो वहाँ पे हैं और अब रात में यहाँ पे आग जला के इसके अंदर सोते हैं ताकि कोई अब इन्होंने ये बना रखा था कि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह ना आ पाए और यहाँ पे प्रॉपर वाटर फैसिलिटी वगैरह भी है तो ये पिछले दो रात से यहाँ पे अब यहाँ पे ये लोग वेट कर रहे हैं हंटिंग के लिए हाँ कुकु अब ये लोग अब चल दिए यहाँ से अब हंटिंग के लिए यहाँ पे बबून की हंटिंग के लिए जा रहे हैं अब ये देखते हैं हम बबून को हंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं भाई देखो जस्ट अभी इन्होंने एक और वो गिलहरी सी होती है ना वो पकड़ी है ये देखो बगल में लटका के जा रहा है वो देखो उस भाई को कुछ मिला वो भाग रहा है तो भाई ये लोग तो पता नहीं कहाँ चले गए जो वेट कर लेते थोड़ा आराम कर लेते बहुत चल रही है यार मतलब कम से कम 20 से ऊपर ज़्यादा 20-22 से ज़्यादा चल रही है मतलब हद होती है 20-22 किलोमीटर कम नहीं होते जो वेट करते हैं उनका उनको पता नहीं कुछ मिला है उनके कुत्ते एक दूसरे डायरेक्शन में चले गए ये लोग जा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में और उनके कुत्ते जो है वो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो फिर ये लोगों को लगा समथिंग देयर सो गए उधर साइड गए इनके कुत्ते सब कुछ ढूंढ लेते हैं भाई है खतरे मैं दिखाता हूँ आपको ये लोग इस डायरेक्शन में कहीं गए और बाकी एक कमाल की जगह चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ये देखो ये यहाँ से जंगल चलो भाई दूर दूर देखोगे ना आपको जंगली जंगल दिखेगा ये पहाड़ी दूर दूर जंगली जंगल है यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा भाई कुछ भी बोल रहा था ना इनके कुत्ते हिरने गए देखो ये पकड़ लाया किसी ना किसी को छाबा वो देखो लटका लिया पूरी गैंग है भाई इनके कुत्तों की गैंग है यही ढूंढती है सब कुछ जो भी है भाई रियली इतनी हार्ड लाइफ आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अब चल दिया लेट्स गो ये देखो वहाँ पे कुछ है वो चिड़िया थी भाई चिड़िया बच गई चिड़िया थी छोटी सी भाई थोड़ी सी मिस कर गई है भाई ये लोग तो यार जस्ट थोड़ी सी मिस कर गई नहीं तो अभी तो ये देखो एक और पकड़ लिया यहाँ पे चार पकड़ लिए देखो एक दो एक उस भाई के पास है एक उस भाई के पास है आज तो भाई इन्होंने बहुत शिकार किया है भाई आप लोगों को मैं बेस्ट नज़ारा बताता हूँ बेस्ट इस होल ट्रिप का ये देखो माय गॉड चारों तरफ जंगली जंगल है भाई ये देखो दूर दूर देखोगे ना आपको लैंड दिखेगी नहीं और वो सामने दिख रही है वो लेक ऐसी है वो सारी माय गॉड भाई मैं सबसे ऊंची चट्टान पे हूँ राइट नाउ एक्चुअली ये लोग यहाँ पे आए हैं ताकि ये लोग ऊपर से थोड़ा देख सके कहाँ पे हम लोगों को बबून देखने को मिलेंगे तो भाई बेस्ट बेस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ खतरनाक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं एडवेंचर किया मुझे ये नहीं पता हम कहाँ से आए हैं दूर जंगल भाई देखो ना यार दूर दूर कुछ नहीं दिख रहा जंगली जंगल है भाई इनको है ना एक जान बड़ा जानवर दिखा ये देखो ये यहाँ पे इसीलिए चढ़े थे कि इनको यहाँ पे जानवर दिख जाए वो सामने दिख रहे हैं ना आपको ढंग से आवाज़ नहीं आ रही वो
जस्ट जहाँ मेरे हाथ है ना, इस पोर्शन में यहाँ पे बहुत बड़ा जानवर है, तो ये लोग उसका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं उसको, लाइक ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से फिर ये लोग अपना एक्शन करेंगे यहाँ से। आई डोंट नो आवाज़ आप लोगों को सही से आ रही है कि नहीं, बिकॉज हवा बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रही है यहाँ पे। भाई एक्चुअली जस्ट अभी ये लोग ये नीचे गए थे ना, अगर आपको पता हो तो मैं बता रहा था कोई बड़ा जानवर है, कोई हिरन वगैरह था, तो नीचे गया तो वो हिरन तो भाग गया और हम उनके पीछे पीछे यहाँ आए। तो यहाँ पे मेरे को कम से कम एक घंटा हो गया तब जाके भाई आया। देखो एक इसके पास यहाँ है, एक इसके पास है, ये जो यही तो गया था नीचे, इसके पास दिखाता हूँ आपको। देखो पांच पकड़ के लाया, ये पांच है यहाँ पे इसके पास, एक दो तीन चार पांच, पांच पकड़ के लाया है अभी। इधर देखो इस भाई के, ये देखो यहाँ खून निकल रहे हैं इधर पैर में। इट नॉट हर्ट्स यू? फ्रॉम दिस पका मान, इसके ये घुस गया पैर में, ये देखो ये पूरा खून निकल रहा है, लाल जक खून है भाई। इनका खून भी अजीब ही है, मतलब लाल है, बिल्कुल लाल खून। उसे पा अभी तक भाई सही है बंदा, मैं वो आका अभी तक आको ने ने एटीना ने एटीना पुखु या को आइना को को पुखो आमो आइना मेना ओसोया है एना इता शो इता थाकवाना अनी है पका बगुशिका है चाने ओसो आमो को खुबाम आओ आ आती इता कहना ओस ओसो अनी इता तं आ अनी है ता चेका तो नेना भाई ये भाई पता नहीं क्या तो बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं भाई ये भाई क्या तो बोल रहा है, मेरे समझ से बाहर है। इसके पर खून देखो यार, लाल जक खून निकल रहा है, लाल जक। इनका तो भाई खून भी अजीब ही है यहाँ पे। भाई इतनी फूटी किस्मत तो ज़िंदगी में किसी की नहीं होनी चाहिए। मेरा गोप्रो वहाँ गिर गया था, वहाँ पे 2 किलोमीटर वापस आए भाई, 2 किलोमीटर वापस आए तब जाके गोप्रो लिया है। अब वापस जा रहा हूँ भाई, ये मेरे होस्ट जा रहे हैं और वो जो हमारे साथ थे ना हंटर्स, तो वो उधर बैठे हैं। क्या किस्मत है यार। एक्चुअली मैं क्या पानी पीने के लिए बोतल निकाल रहा था कि बैग में से, और आई डोंट नो मैंने बैग में गोप्रो, मेरे को लगा मैंने गोप्रो बैग में डाल दिया, एक्चुअली वो गोप्रो बैग में तो गया नहीं, वो नीचे गिर गया और मेरे को टेंशन हो गई थी। लैपटॉप ऑलरेडी घुमा चुका हूँ मैं, काफ़ी सारे पैसे लॉस हो गए हैं, और अब ये भी घूम जाता ना तो भाई भाई देखो यार, मैं इतनी मेहनत की है ना मैंने, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर ढंग से नहीं आएगा ना तो यार बहुत दुख होगा, ये चीज़ का सही बता रहा हूँ मैं। रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार। ये देखो ये जंगलों में यार भटक रहा हूँ, पिछले सुबह 6 बजे से इन जंगलों में भटक रहा हूँ, 4 बज गए हैं। मेहनत यार हर चीज़ में लगती है। बाकी फटाफट से निकलते हैं यार, वो वेट कर रहे हैं हंटर्स हमारा। टेंशन हो गई थी यार मुझे बहुत ज़्यादा। तो भाई ये देखो ये यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे, और ये कबूतर खरगोश पकड़ रहे हैं क्या बोलते हैं इनको सर, व्हाट दे कॉल देम। ये देखो ये यहाँ पे पकड़ पकड़ के रखे हुए, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9 भाई इनके पास 10 थे, इन्होंने एक्चुअली 11 पकड़े थे। तो जब आपको याद है जहाँ पे हम पानी पी रहे थे, पानी पीने के लिए रुके थे, उस जगह पे जब हम लोग रिटर्न में आए तो वहाँ पे जो औरत थी और उसका आदमी था, तो इसने इन दोनों ने उसको 2, 11 है इनके पास, 2 तो 3 तो लटका रखे इसने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं भाई इनके पास। हद हो गई यार, मेरे को तो पता ही नहीं था 12 पकड़ रखे इन लोगों ने, तो 12 में से 2 तो इन्होंने उनको दे दिए थे, और फिर भी 12 हैं इनके पास। ये होता है तो इनका दिल भी बहुत बड़ा है। मैंने इतनी सारा दिन से इनके साथ हूँ, लेकिन इनका दिल बहुत अच्छा है, सही बता रहा हूँ। सही है, अच्छे लोग हैं यार। बाकी इनकी लाइफ इस तरीके से गुजर रही है, फटाफट से वापस चलते हैं इनके घर पे। ये देखो ये छोटा सा झोपड़ा है, और इसके अंदर ये देखो इनके थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, और बस यहाँ पे एक डेगची रखी हुई है, बस ये इतना सा है। ये इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे झोपड़े बना रखे हैं, और
सेम इसी तरह ये देखो इधर की साइड में औरतें रहती है, मतलब जो इनका ग्रुप बना के रखा हुआ इधर औरतों का ग्रुप रहता है और उधर की साइड आदमी आग जला के बैठे रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से देखो, ये छोटा सा बच्चा ये तीर का बाण चलाने की कोशिश कर रहा है। हाय। और ये छोटा सा कोई झोपड़ा, ये भी इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बस ये हल्का सा घास फूस लगा रखा और यहाँ पे सोते हैं बस, और ये ऊपर इनका सामान वगैरह बस इतना सा है यहाँ पे और कुछ अलग से नहीं है यहाँ पे, ये इनकी डेली लाइफ है। बाकी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगी है। और आज हम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मोर देन 25 किलोमीटर हम वॉक कर चुके हैं, ये देखो मोर देन 30,000 स्टेप्स वॉक किया है। तो यार मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मुझे पता है कितनी मेहनत हुई और बहुत कॉस्टली है यहाँ पे विज़िट करना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली, इवन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे विज़िट किया है। और आप लोगों को कोशिश की है कि कुछ अलग से दिखाने की कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को कुछ अलग से दिखाऊं और आप लोग देख पाओ कि जो लास्ट हंटिंग ट्राइब के लोग हैं वो कैसे हंट करते हैं।